हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग सीटेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो एक हाउसवाइफ हैं और मेरी तरह उनके सर पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उन सब के बावजूद भी वो पढ़ना चाहती हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मैंने लास्ट ईयर ही अपने बीएड फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के साथ अपना हरियाणा स्टेट एग्ज़ाम एंड सीटेट दोनों फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर लिए हैं। तो वही स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या रीड किया था। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, हमें कोई भी एग्ज़ाम अगर देना होता है तो हमें उसके सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। सीटेट जो एग्ज़ाम है वो हम किस लिए देते हैं? सीटेट एग्ज़ाम हमारा जो सेंट्रल जॉब्स होती हैं या फिर दिल्ली की जो जॉब होती हैं उनके लिए हमारा वैलिड होता है, टीचर के लिए। और ये एग्ज़ाम हम बीएड एग्ज़ाम्स के बाद दे सकते हैं। ये एक तरह से हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें हमें 150 में से 90 मार्क्स लेके आने होते हैं। सीटेट एग्ज़ाम दो लेवल पर होता है, फर्स्ट लेवल पेपर वन एंड सेकेंड लेवल पेपर टू। जो पेपर वन है वो क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के लिए होता है और जो पेपर टू है वो क्लास सिक्स टू एट्थ टीचर बनने के लिए होता है। पेपर वन में हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश एंड जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न होता है उसमें हमारा ईवीएस एंड मैथ्स होता है। इसी तरह पेपर टू में सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश एंड सब्जेक्ट कंसर्न, इसमें हमारे जो साइंस मैथ्स वाले होते हैं उनके लिए मैथ्स एंड साइंस, और जो सोशल साइंस वाले होते हैं उनके लिए सोशल साइंस 60 मार्क्स का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये हमारा 30 मार्क्स का आता है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में 30 नहीं बल्कि आप 50 मार्क्स के आसपास स्कोर कर लेते हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है वो हमारा जो ये बाकी के पोर्शन है, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, साइंस पैडागोजी, सोशल साइंस पैडागोजी, इन सब में भी हमारी हेल्प करती है। इसलिए अपने इस सब्जेक्ट को मजबूत बनाइए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट होता है। तो चलिए बात करते हैं इसके सोर्सेज पर। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने सीटेट के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी है। फ्रेंड्स देखिए, ना तो मेरे पास टाइम था बुक पढ़ने का और ना ही मुझे बुक पढ़ने की ज़रूरत महसूस हुई। देखिए, मैं आपको कुछ चैनल सजेस्ट कर रही हूँ, आप उन चैनल्स के थ्रू जा करके सीटेट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सीडीपी के लिए आप लोग देखिए, सबसे पहले लेट्स लर्न, हिमांशी मैम को कौन नहीं जानता। आप लेट्स लर्न के प्लेलिस्ट के थ्रू जा सकते हैं, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें लगभग 40 वीडियोज़ हैं। आप उनके थ्रू जा सकते हैं, उनको आप नोट डाउन कर लें, उनके नोट्स बना लें, बस उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को बार बार रिवाइज़ कर लें। अगर आपको लेट्स लर्न का समझ में नहीं आता है तो आप जा सकते हैं सचिन एकेडमी, सचिन सर के साथ। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप अध्ययन मंत्रा के साथ, रोहित सर के साथ जा सकते हैं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो अचीवर्स एकेडमी, निशा मैम के साथ जा सकते हैं। एंड देन आप प्यूपिल टीचर के थ्रू भी जा सकते हैं, जहाँ पर काजल धामी मैम बहुत ही अच्छा करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, बुक से तो आपको वन ऑप्शन मिलेगा और यूट्यूब से आपको फ्री में कितने चैनल मिल रहे हैं, और इनके थ्रू आप करने से बहुत ही बेटर स्कोर कर पाओगे। आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। मैंने क्या किया था, इनके नोट्स बना लिए थे। आप एक चैनल को फॉलो करके उसके नोट्स बना लो और उन्हीं नोट्स को बार बार में रिवाइज करते रहो। देन हम चलते हैं आगे, सेकंड सब्जेक्ट हमारा हिंदी, वो भी हमारा 30 मार्क्स का है, जिसमें 15 मार्क्स
तो हमारा आता है पैसेज, एंड सेकंड पोर्शन हमारा होता है 15 मार्क्स का पेडागोजी। जो 15 मार्क्स का जो पैसेज आता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, वो बहुत ही हाई लेवल का होता है, आप लोग उसको ईजिली बना सकते हो। लास्ट टाइम देखा गया है कि जो पैसेज का जो पोर्शन था उसमें व्याकरण के क्वेश्चन भी आए थे, तो व्याकरण के लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो थोड़ा बहुत कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हो, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, बस थोड़ा सा यही देख लो, इसी से आपका काम चल जाएगा। पैडागोजी के लिए आप सचिन एकेडमी सर की एक मैराथन क्लास है, उसको देख सकते हैं और आप उसके नोट्स बना सकते हैं, उसी से आपकी हिंदी पैडागोजी हो जाएगी। एक चैनल है चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, इसमें भी हिंदी पैडागोजी को एक सर ने बहुत अच्छे से करवा सकता है। आप लोग यूट्यूब पर डालना चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, आपके सामने चैनल खुल जाएगा और वहाँ पर आप डाल देना हिंदी पैडागोजी, या फिर आप लेट्स लर्न हिमांशी मैम की भी हिंदी पैडागोजी देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन पे, इसमें भी सेम वही बात है, 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है जिसमें हमारा 15 मार्क्स का पैसेज होता है एंड 15 मार्क्स की हमारी पैडागोजी होती है। इसीलिए तो मैं आपको बोल रही थी कि जो आपका ये पोर्शन है CDP वाला, आप इसको अच्छे से कर लो, ये आपकी सब जगह पर हेल्प करता है। इंग्लिश के लिए आप लेट्स लर्न को फॉलो कर सकते हैं, सचिन एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप एक चैनल है एस्पायरिंग टीचर्स, वहाँ पर रूपाली मैम कर पढ़ाते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना इंग्लिश पैडागोजी फुल रिविजन मैराथन क्लास एस्पायरिंग टीचर। इसके बाद हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट में मैंने पेपर वन के लिए कोई भी कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ टेलीग्राम नोट जो टेलीग्राम चैनल होता है उसके ऊपर हिमांशी मैम के नोट्स थे EVS के, सिर्फ उन्हीं को दो बार देखा था और उनमें से 10-15 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे आपके। उसके बाद 15 मार्क्स का आता है मैथ, यहाँ पर 15 मार्क्स का ही EVS था, ओके 15 मार्क्स का मैथ आता है जिसमें मैथ के क्वेश्चन भी होते हैं और पैडागोजी भी होती है। इसके लिए भी आप हिमांशी मैम की पैडागोजी को फॉलो कर सकते हैं, उनके चैनल पर आप लोग डालना मैथ पैडागोजी बाय हिमांशी मैम, तो आपके सामने ही पोर्शन खुल जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सोशल साइंस, मैंने ये एग्ज़ाम सोशल साइंस से दिया था जिसमें मैंने सचिन एकेडमी सर के मैराथन क्लासेस देखी थी, आप लोग भी इनको देख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और अच्छे से डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो आप 6 to 8 तक की NCERTs फॉलो कर सकते हैं। सच बताती हूँ मैंने इन NCERT को फॉलो नहीं किया था, हाँ बहुत पहले किया था मैंने, 1-2 साल पहले, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया तब मैंने इनको नहीं रीड किया था। मैंने सिर्फ सचिन एकेडमी सर की सोशल साइंस की जो मैराथन क्लासेस थी वही की थी, उसी से मेरा हो गया था। साइंस एंड मैथ्स के लिए जो साइंस एंड मैथ्स वाले हैं वो NCERT फॉलो करें, या फिर आप पैडागोजी के लिए हिमांशी मैम की पैडागोजी देख सकते हैं, या फिर एक चैनल है पीपल टीचर जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप उसको फॉलो कीजिए, या फिर बायजूज एग्ज़ाम प्रेप पे लोकेश भारद्वाज सर ने करवा रखा है, आप उसको देख लीजिए। आपके इन दोनों चैनल से आपके जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। पैडागोजी के लिए आप टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित सर, टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित सर मनु राठी मैम है जिन्होंने मैथ की पैडागोजी भी और साइंस की पैडागोजी भी, लगभग 3-3 आवर्स की मैराथन है, उनमें अच्छे से करवा रखी है, आप इनको नोट्स बनाकर इनको रिवाइज कर लीजिए। फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए होती है प्रीवियस ईयर, लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होने लगा है, पहले ऑफलाइन मोड में होता था तब एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी आता था, लेकिन ऑनलाइन में होने से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल उसका बढ़ गया है।
तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स भी देखने हैं। मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने कोई भी बुक नहीं ली थी, हाँ मैंने एक प्रीवियस ईयर ज़रूर लिया था। आप लोग देखिए मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा था, वो भी सिर्फ मुझे पेपर वन के लिए ही मिला था मार्केट में। पेपर टू के लिए मुझे कोई भी उस टाइम पर प्रीवियस ईयर नहीं मिल पाया था। ये देखिए आप, दिशा पब्लिकेशन का है, इसमें 14 ईयर्स के सोल्ड पेपर हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चंस को दिया हुआ है। आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर जरूर देख लें, इससे आपको बहुत आइडिया होगा। और आप फ्रेंड्स, अब एग्जाम ऑनलाइन होने लगा है, तो पिछले साल लेट्स लर्न पर हिमांशी मैम ने जो डेली जो एग्जाम हो रहे थे उन एग्जाम्स को करवाया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू भी प्रीवियस ईयर्स को देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो आपको यही राय है कि आप इस तरह से अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कीजिए। सीटेट एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है फ्रेंड्स, जो आपसे नहीं होगा। ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आप आराम से कर पाएंगे। आप एक हाउसवाइफ हैं, लेकिन अगर आप दो दो घंटे भी डेली एक दो महीने पढ़ लेते हैं, तो आप इसमें इजीली 150 में से 90 मार्क्स इजीली ले आओगे। आप इन वीडियोस को राइट करके नोट्स बना सकते हो, या फिर अगर आप काम करते हो, जैसे कि आप खाना बना रहे हो, किचन में हो, या आप झाड़ू पोछा कर रहे हो, तो उस टाइम आप इन वीडियोस को अपने कानों में बड्स लगा करके, ब्लूटूथ लगा करके सुन सकते हो। जैसे कि इस तरह से आप वीडियो चला लीजिए, आप लोग मेरी बताई गई स्ट्रेटजी को फॉलो करना एंड देन आपका रिजल्ट मुझे बताना, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ऑल द बेस्ट।